तो हेलो एंड वेलकम गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं जी टी एस एंड रियाज तो आज का मिशन होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट बिकॉज आज हम मिलने जाएंगे वो से वो जी जो कि हमें लास्ट मिशन में मिला था जो कि जैपनीज़ बंदा है और उसके पास इस शहर के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है आज उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है ये बताने के लिए कि भाई मेरे साथ एक छोटी सी जगह पर चलना है एक्चुअली uh, एक नेटिव गैंग है जिसका इनके साथ बहुत बड़ा पंगा स्टार्टिंग से चल रहा है उन्होंने इसको मिलने के लिए बुलाया हुआ है तो भाई अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, हैं हमारे चैनल पर तो भाई प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक बिकॉज ऐसी ही वीडियोज़ हम हर दूसरे दिन लेकर आते रहते हैं टाइमिंग फिक्स रहता है सुबह ग्यारह बजे से लेकर एक बजे के बीच में तो ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग एंड मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और एंटरटेनमेंट की गारंटी है फुल तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ हम आ गए हैं वोज़ी के रेजिडेंशियल एड्रेस पर ये एक्चुअली उसका क्लब है रेजिडेंशियल नहीं है और इस क्लब में वोजी का नाम बहुत तगड़े तरीके से चलता है मैं काउंटर पर पहुँचा बंदे ने बोला क्लोज़ हो चुका है तुम तो यहाँ से जा सकते हो मैंने उसको बोला भाई वोज़ी से मिलने आओ पहले उसने मुझे बोला सॉरी और फिर बोला भाई वो अपसेस मिलेंगे ऊपर जाते ही मुझे मिला भाई बॉडी गार्ड बॉडी गार्ड कहता है कि आप जा सकते हो अगर वोज़ी से मिलने आओ पर आपको क्या पता है कि वो उसको क्या कर्स मिला हुआ है या क्या शाप मिला हुआ है इनका नहीं मुझे नहीं पता था भाई बंदा कहता है कि वो अंधा है भाई ये मुझे नहीं पता था बंदा काले चश्मे में हमेशा रहता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अंधा है पर जिस हिसाब से वो बातें करता है चलता है मुझे वो अंधा बिल्कुल नहीं लगा बिल्कुल मोहरा मूवी के नषरुद्दीन शाह की तरह अंधा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा तो भाई मैं वो उसी मिलने पहुंच गया वो दो साइड सिक्स के साथ ऑलरेडी अच्छे खासे टाइम स्पेंड कर रहा था और मैंने जाके रंग में डाल दिया भंग और भाई मैं बातें करते करते चेक कर रहा हूँ उसको दिखता है नहीं दिखता है बट प्रैक्टिस इतनी तगड़ी इसने कर चुकी है कि भाई ये बंदा नहीं बताएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये अपना राज खुलने देगा नहीं फिर उसने बैठा कर मुझे पूरा समझाया कि यार ऐसे ऐसे बातचीत है आ, हमारे पूछ दूसरे मोहल्ले में ना एक गैंग रहती है जिसके साथ हमारी बातचीत थी तो उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है शायद सेटलमेंट करने के लिए तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो बिकॉज़ मेरे बॉडी जो हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि शायद वो मेरी लाइक हेल्प ना कर पाए उस टाइम पर और उन्होंने कहा है कि अपने बॉडी के साथ ना आने के लिए तो मैं एक स्ट्रेंज बंदे को साथ में लेके आ सकता हूँ एज अ बॉ लाइक ड्राइवर तो प्लीज़ तुम मुझे ड्राइव करके वहाँ तक लेके चलो बातचीत मैं सारी कर लूँगा एंड डोंट वरी मैं देख भी लूँगा अगर कुछ लफड़ा होता है तो बट बस तुम मेरे साथ चलो तो भाई मन में तो मेरी बात ये थी कि है ये अंधा और देख लेगा सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बातें कर रहा है बड़ी बड़ी तो भाई इससे होगा तो कुछ नहीं करना मुझे ही पड़ेगा तो पूरा मन बना के मैं इसके साथ आया हूँ कि भाई देख लेंगे जो भी होगा तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं इसके मोहल्ले के पीछे की तरफ़ जहां पर दूसरी ग्रैंग गैंग्स जो है वो आराम से लाइक बिल्कुल चिल माहौल में चल रही है पर ऐसा कुछ मेरे को गलत लगा नहीं तो ये कहता है इस तरफ आ जाओ भाई जब अंधा मेरे को रास्ता दिखा रहा है उससे अजीब चीज़ क्या हो सकती है ये नीचे कोई केबल वेबल चेक कर रहा था शायद इसका कोई लैंडमार्क होगा कि यहाँ से चेक करके जा सकता हूँ आगे जैसे ही बढ़ते भाई वहाँ से पब्लिक भागती हुई नज़र आती है ऐसे जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ है भाई मैंने तुरंत अपनी गन निकालनी है उसके पीछे पीछे जाने के लिए और ये बंदा भाग ही जा रहा है और भागते भागते वह दीवार से टकरा के गिर गया है आई एम श्योर ये एक्टिंग कर रहा है अंधा तो ये नहीं होगा बस ये गिरने की एक्टिंग कर रहा है बिकॉज इतनी जोर से भाग के क्यों जाएगा अगर अंधा है तो फिर कहता है इधर इसकी तरफ आओ ये वाला है रोड और भाई इसलिए बोला ये गेट हमेशा बंद रहता है आज पता नहीं खुला कैसे है अगर ये गेट लॉक होता है तो भाई कुछ तो है यहाँ पे। भाई इतनी देर में जब आके पहुँचते हैं तो इसकी गैंग की दो गाड़ियाँ जल रही होती हैं और इसकी गैंग के सारे बंदे मर चुके होते हैं एक बंदा छुपा रहता है वो कहता है भाई मैं लड़ नहीं सकता था इसलिए मैं छुप गया था तो सारी बात यह है कि उन्होंने इन पे हमला कर दिया था तभी आती है गाड़ियों की आवाज़ और भाई यहाँ पर वो गैंग आ चुकी है अटैक करने के लिए भाई जैसे अटैक करने आती है उनको पता नहीं था कि शायद सीजे यहाँ पर आया हुआ है वरना वो आते ही नहीं भाई गाड़ी के पीछे एक बंदा छुपाओ एक बंदा यहाँ छुपाओ मैं सोचा गाड़ी पर अटैक करूँ या गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर पेट्रोल टैंक पर अटैक करते ही भाई बंदे हो गए सारे ढेर और भाई मुझे लगता है यहाँ पर हो गया आई थिंक ये मिशन ख़त्म बट अगर मिशन ख़त्म हो जाता तो लाइक रिवॉर्ड या रिस्पेक्ट लिख कर आ जाता बट नहीं ऐसा कुछ आया नहीं है मीन्स जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पहले तो रास्ता देखते हैं इधर से कोई है क्या नहीं इधर से कोई रास्ता नहीं पूरा ब्लॉक्ड है जाना हमें फ़्रंट से ही है वोजी की हाल तो ऊपर दिखा रही है मीन्स वोजी को बिल्कुल सही सलामत यहाँ से लेकर जाना भाई जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ आगे आ गई है एक बाइकर की गैंग जिसके अंदर चार बंदे आए हैं दो बाइकें यहाँ पे खड़ी हैं बाइक लेकर हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं मैं जैसे मैं आगे पहुँचाऊँ आगे और भी बंदे हैं मैंने वोजी को बैठाया पीछे भाई वोजी को पीछे से ही उन्होंने गोलियाँ मार के कर दिया ख़त्म दोबारा करेंगे कोई बात नहीं हम तो दोबारा ट्राई करने के लिए पागल पागल ही है ना हम लोग तो क्योंकि बार बार करते रहो पहले इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं ये लोग हम तो बस करते रहेंगे बार बार पेट्रोल टैंक फोड़ा ये स्टेप हमारा फिक्स हो गया कि यहाँ पर पेट्रोल टैंक फोड़ देंगे नहीं बंदे हो जाएंगे खत्म यहाँ पे इनकी गन लेनी है मैंने क्योंकि गोलियाँ कम पड़ने के आसार वो जो, जो दिख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा एमिनेशन भरा नहीं है अपने पास तो भाई वोजी जो है अंदाजा ज़रूर है पर ये भागे जा रहा है इधर से उधर भाई बैठ जाए के साथ झुक के पर नहीं मान रहा भाई इसके बाद मुझे पता है कि आगे की तरफ और भी बंदे होंगे तो मैं बहुत तसली से और सेफ्टी से आगे बढ़ रहा हूँ और जैसे मैं आगे बढ़ाऊँ भाई मैंने गोलियाँ मारनी करनी है स्टार्ट भाई है हर जगह बंदे बिल्कुल धाक लगा कर बैठे हुए हैं गली में बंदे छत पे बंदे अलग ही अलग लेवल के बंदे भाई आगे गाड़ी तक बंदे ही बंदे थे मैं सारे के सारे मैंने मार दिए हैं सबको बिछा दिया है रोड पर एक एक करके मैंने वो को बैठाया बाइक पर भाई मैं उसको लेकर जा रहा हूँ बाहर भाई तभी एक बंदा पीछे से निकलता है और भाई बाइक हुई है आउट ऑफ कंट्रोल और मैं इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ किसी भी तरीके से बाइक गिर गई और पहले इस बंदे को लगाऊंगा ठिकाने मैंने निकाल लिया सीधा मिसाइल बिकॉज इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था अब इसकी गाड़ी में बैठ हम लोग निकलेंगे यहाँ से लेकिन तभी गली का जो एंड है वो एक गाड़ी ने रोक दिया है और भाई पूरी गैंग यहाँ पर आ गई है दो और गाड़ियाँ लेकर तो भाई मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि या तो इनसे बच के हमें भागना है और भाग के हम लोग बस इनसे दूर हो जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे क्योंकि इस इस टाइम पर मुझे अंधे वूजी को बचाना है ये नहीं कि मुझे गैंग ख़त्म करनी मुझे वूजी को बचाना राइट पर जैसे जैसे आप लोग इस आ, मैप से आगे निकलते हो और लाइक सेफ्टी की तरफ जाते हो मुझे फील होता है यार हम लोग बच गए हैं लेकिन मिशन यहाँ पर ये है ही नहीं कि हमें बचना है मिशन ये है कि दूसरी गैंग को पूरी तरह से ख़त्म करना है तभी जाकर ये होगा और ये मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ पर आकर कि भाई इतनी दूर आने के बाद भी वो लोग मैप में क्यों दिखा रहे हैं उनको तो हट जाना चाहिए ना अब तक कि हाँ भाई आप लोगों को सेफ अब इसको अंधे को उसके घर पर छोड़ा हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो भाई मैंने साइड लेन में जाकर सोचा है कि अब मैं वापस उनकी तरफ मुड़ जाता हूँ और उनकी तरफ जाकर ही मिशन ख़त्म होगा भाई यहाँ तक तो कुछ हुआ नहीं था वो लोग हमारा पीछा कर ही रहे हैं मैप में मैंने देख लिया है तो मैं आगे वाली लेन से मुड़ कर इनका करता हूँ यहाँ पर वेट और भाई इनको करते हैं ख़त्म सीधा मिसाइल निकाल कर भाई गाड़ी आ रही है गाड़ी पे करूँगा मैं अटैक और गाड़ी आते ही मैंने मारी है मिसाइल और भाई गाड़ी आई सीधा मेरे ऊपर उसके बाद दूसरी गाड़ी आई है दूसरी गाड़ी पर मैंने जैसे ही ब्लैक एम किया एम दीवार की तरफ हो गया और गाड़ी चढ़ गई मेरे ऊपर अब भाई यही मिशन भी हो गया ख़त्म दोबारा करेंगे ट्राई दोबारा ट्राई करने के चक्कर में यार आप लोग मेरे को नूब मत समझना ट्राई मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है जिस हिसाब का मेरे को चाहिए तो भाई टैंक फोड़ कर हमारा पहला स्टेप हमेशा वाला लाइक सेम स्टेप ख़त्म गन मैंने निकाल ली है एस एम जी और भाई जैसे ही आगे बाइक वाले आते हैं मैंने बाइक वालों पर कर दिया है ताबड़ तोड़ अटैक ये अंदा एक जगह छुप के बैठेगा नहीं मैं बहुत मारूंगा ऐसा थोड़ी देर बाद रुक जाऊँ तो भाई मैं फिलहाल अपनी ए के फोर्टी सेवन लेकर आगे निकल गया हूँ बाइक वाले बंदे हो गए हैं ख़त्म बूजी को देख रहा हूँ कहाँ है भाई साथ साथ रहे हो ना पीछे से कोई उठा ले जाएगा तुझे तो भाई उसके बाद मैंने एक एक करके जो लाइक क्या बंदे थे इनको मारना कर दिया स्टार्ट कुछ थोड़े से बंदे बचे और ये अंधा बिल्कुल आगे जाके गोलियाँ चला रहा है भाई कौन बोल दे वैसे अंदा है भाई धीरे धीरे मेरी को मेरे को गन्स लाइक स्वैप करने में इतना टाइम लग गया कि बस क्या बताऊँ और ये आया है घूम कर और घूम के आते मैंने इसे घुमा दिया है भाई गाड़ी लेकर हम निकलेंगे और हमें पहले से पता है कि अब हमें गाड़ियाँ फोड़नी है तभी ये मिशन कम्प्लीट होगा भाई पहली गाड़ी को टक्कर मार के मैं उनके पास ही रुक गया ताकि अंधा गोलियाँ चलाता रहे मैं भी गोलियाँ चला रहा हूँ और गाड़ी हो गई है पहली ख़त्म लेकिन उसी चक्कर में हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ा गई है उनकी दोनों गाड़ियाँ फूटने के बाद हमारी गाड़ी जो है उसमें आग लग गई है और वो जी मर गया है इसमें ये अंधा मेरा मिशन पाँचवीं बार करवा रहा है कोई डंकी चीज़ कर लेता तो ये पहले ही ख़त्म हो जाता तो वह टैंक फोड़ कर हमारा पहला स्टेप हमेशा की तरह हो गया ख़त्म एक ऑर्गन उठा कर मैंने अपनी लाइक एमोज बढ़ा लिये यहाँ पर आगे जाते ही बाइक आ जाएगी बाइक वालों को फोड़ा और वह बाइक वालों को फोड़ कर हम बढ़ रहे हैं आगे गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक like, अगर अभी तक आप वीडियो में जुड़े हो मीन्स आपने नाइन मिनट स्पेंड कर लिए हैं एंड एंड टू रियली थैंक यू फॉर दैट बिकॉज नाइन मिनट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो मीन्स आपको पसंद आ रहा है सो ये अंदा आ गया बिल्कुल मेरे आगे और मैंने सात आठ गोलियाँ इसी में मार दी हैं तो इसकी मोस्टली जो पावर अभी ख़त्म हुई है वो मैंने ही की है ये बंदा निकल के आया इसको निकलते ही मैंने वापस डाल दी वापस डाल दिया है जहाँ से आया था ये तो भाई गाड़ी लेकर मैं पीछे जा रहा हूँ फिर से वही रोक के खड़ा हुआ है इस बार भी इसके पास से ही लेकर चलेंगे और भाई गोलियाँ चलाते हुए अंधा जो है गोलियाँ गाड़ी में से निकल निकल के चला रहा है उसको पता है किस साइड से आ रही है और यहाँ पर दो तो चार बंदे और थे जो उसी गैंग के थे और भाई उन दोनों गाड़ियों में लग गई है आग एक गाड़ी बची हुई है जिसके मैं बिल्कुल पास लेके जाऊंगा और ये रही मार 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 और जैसे उसमें आग लग जाएगी हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे भाई आग लग गई है हमारा हो गया है आई थिंक मिशन खत्म भाई अब बिल्कुल सेफली इस अंधे को इसके घर लेके जाना है बिकॉज अगर इसके बाद कुछ हुआ तो मैं मिशन दोबारा नहीं करना चाहूँगा भाई कुछ भी करके बस परफेक्ट मैंने अंधे को कर दिया ड्रॉप अंधा भागते हुए रास्ता ढूंढते हुए अपने क्लब में चला गया लेकिन भाई अंधा ये किस एंगल से लग रहा था प्लीज़ कमेंट करके बता रहे कि अंधा था या मेरे को अंधा बना रहा था भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया पर इसी एरिया में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ बहुत सही चीज़ यहाँ से आप नीचे उतरते हो ना एक वाइट कलर की लेन आएगी जैसे उस लेन को आप पार करते हो तो वहाँ पर है एक बहुत ही अच्छा जंपिंग स्पॉट जो कि आप अभी देखोगे एन लाइक आई लव दिस जम्पर क्या कार ने जंप किया है भाई मज़ा ही आ गया 48 डॉलर मिले हैं नॉर्मल स्टंट के और 500 डॉलर मिले हैं इस यूनिक स्टंट बोनस के आप ज़रूर ट्राई करना इसको मैं बाइक से भी ट्राई करूँगा बाइक पीछे ही खड़ी हुई है और अगर बाइक का जंप आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक वीडियो पर लाइक ज़रूर ठोक के जाना यार तो भाई इस बाइक को लेकर मैं जा रहा हूँ वापस उसी लोकेशन पर उसके लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा और फिर काफ़ी आगे आना भी पड़ेगा तो लेट्स सी क्या होता है गाड़ी जब मेरी आई थी ना तब उसके बीच में कोई भी नहीं आया था अगर बाइक के बीच में हुआ था तो ऑब्वियसली मैं गिर जाऊँगा और भाई नीचे उतरते ही लग गई ये चोट मेरी हेल्थ बहुत कम है अगर हेल्थ पे कुछ हुआ ना तो भाई वहीं ख़त्म हो जाना मैंने इस बार तो भाई इस बार मैं बाइक को वापस लेकर जा रहा हूँ फिर से जंप करने के लिए भाई इस बार नहीं आया कोई भी बीच में लेकिन स्पीड हो गई है कम तो उतना मज़ा आएगा नहीं बट स्टिल बाइक की स्पीड बहुत तेज है और भाई बाइक गई है बिल्कुल सीधा तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान और आप सबको राम राम बाय